हाय बच्चों स्वागत है आपका ई लर्निंग मित्रा के चैनल पर आज हम अरिथमेटिक टेस्ट देखने वाले हैं जिसमें कि पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम और नंबर है चलिए आगे देखते हैं संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियां जो नंबर एंड नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है देखिए इसमें तीन विधियां हैं इसको लिखने और पढ़ने की तीन विधियां हैं जिसमें कि पहला है मेरा भारतीय गणना प्रणाली और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरा है मेरा रोमन प्रणाली और इसके अंदर हम देखते हैं जो पहला है हमारा भारतीय गणना प्रणाली इसका दूसरा नाम भी है दार्श्मिक प्रणाली इसको किस तरह से लिखते हैं ये एग्जाम में पूछेगा कोई नंबर दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसको भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार लिखें तो देखिए इसका जो लिखने का जो क्रम है देखिए दाएं से बाएं की ओर होता है देखिए सब सबसे पहले आएगा मेरा इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा हजार दस हजार लाख फिर दस लाख करोड़ दस करोड़ इसी प्रकार और आगे आते जाएंगे देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं देखिए कोई संख्या दिया है मेरा इतना बड़ा कोई संख्या है और इसको बोला गया है कि भारतीय गणना में लिखना व पढ़ना किस तरह से इसको लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे देखिए सबसे मेरा इधर से हम स्टार्ट करेंगे सिक्स वन सेवन थ्री टू फाइव टू थ्री फोर तो इसको इधर से स्टार्ट करेंगे दाएं से बाएं की ओर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हज़ार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ तो इसको कैसे पढ़ेंगे इसे जो पढ़ने का जो तरीका है देखिए यहाँ हो गया दस करोड़ था दस मतलब दो देखिए तैतालीस ये दोनों तैतालीस करोड़ फिर दस लाख है दस में ये आएगा, पच्चीस लाख फिर दस हजार है तो ये दोनों आ जाएगा फिर तेईस हजार फिर हजार है तेईस हजार आ गया फिर है सात सौ सोलह सात सौ सो सोलह इसको इस तरह से पढ़ेंगे तैतालीस करोड़ पच्चीस लाख तेईस हजार सात सौ सो सोलह देखिए इसके बाद देखते हैं स्थानीय मान प्लेस वैल्यू इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं देखिए इसमें जो नंबर जो दिया रहेगा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं उससे पहले स्थानीय मान क्या होता है इसको देख लेते हैं इकाई अंक का स्थानीय मान मेरा इकाई अंक जो, जो भी वहां पे होगा इकाई अंक इंटू वन फिर अन्था अन्था दहाई अंक का स्थानीय मान मेरा क्या होगा देखिए दहाई अंक का स्थानीय मान दहाई अंक इंटू टेन फिर वैसे ही सैकड़े अंक का स्थानीय मान सैकड़े का अंक इंटू हंड्रेड इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हजार का आएगा तो हजार का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हजार का जो अंक है वहां पे इंटू वन थाउजेंड ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम जैसे संख्या दिया है इतना और इसमें पूछ लिया है कि अंक फाइव के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे ये जो नंबर दिया हुआ है मेरा फाइव फोर एट फाइव थ्री तो इसमें देखेंगे कि फाइव कहाँ कहाँ पे है फाइव एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे फिर देखिए फाइव किस स्थान पे है देखिए इकाई दहाई दहाई के अंक पे है और दूसरा जो है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार के स्थान पे है तो देखिए दहाई अंक पे था फाइव जो इकाई का जो दहाई का जो अंक है वो इंटू टेन वैसे ही जो टेन थाउजेंड वाला जो था फाइव इंटू टेन थाउजेंड इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए यहाँ पे इक्वल हो गया पचास और यहाँ पे पचास हजार हो गया तो इसका अंतर पूछा था अंतर निकाल लीजिए पचास हजार माइनस पचास कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा उनचास हजार नौ सौ पचास जो कि मेरा आंसर है देखिए अब जानने जाते हैं फेस वैल्यू क्या है जातीय मान जिसको हिंदी में बोलते हैं इसका देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं देखिए जैसे एग्जाम्पल है प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा जैसे अंक दिया है देखिए फेस वैल्यू का जो डिफिनेशन है उसको देखते हैं क्या है किसी संख्या में किसी अंक का फेस वैल्यू उस अंक का अपना मान है जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें पूछ लिया है कि फेस वैल्यू क्या है क्या होगी तो इसमें देखिए जैसे सेवन है तो सेवन का जो फेस वैल्यू होगा जो सेवन ही होगा वैसे ही फाइव का जो फेस वैल्यू होगा फाइव होगा और वैसे ही सिक्स का फेस वैल्यू सिक्स होगा और थ्री का फेस वैल्यू सिक्स होगा थ्री होगा सॉरी थ्री होगा थ्री का फेस वैल्यू थ्री होगा तो देख लेते हैं मेरा राइट right आंसर कौन सा होगा आंसर नंबर सेकेंड देखिए सेवन फाइव सिक्स थ्री देखिए अब इसके बाद देखते हैं पूर्ववर्ती प्रीफिक्स वैल्यू देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्रीफिक्स वैल्यू वो वो वैल्यू होता है जो जिसमें माइनस वन हो जाए मतलब एक कम करके वो मेरा प्रीफिक्स वैल्यू है जैसे एट का प्रीफिक्स वैल्यू कितना हो जाएगा एट माइनस वन सेवन हो जाएगा मेरा वैसे ही ट्वेंटी सेवन का प्रीफिक्स वैल्यू क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन माइनस वन मतलब ट्वेंटी सिक्स इसी प्रकार उत्तरवर्ती जो है सफिक्स वैल्यू तो सफिक्स वैल्यू क्या हो जाएगा जिसमें हम एक ऐड कर दें जैसे ट्वेल्व का सफिक्स वैल्यू क्या हो जाएगा ट्वेल्व प्लस वन मतलब थर्टीन देखिए फिर इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली देखिए इसका जो क्रम है देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार फिर सौ हजार है फिर मिलियन फिर इसके बाद दस मिलियन फिर सौ मिलियन इसी प्रकार बढ़ते जाला जाएगा इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं देखिए कोई नंबर दिया है हमें और पूछ दिया है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे तो देखिए जो नंबर दिया है यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सिक्स वन सेवन थ्री टू फाइव टू थ्री फोर तो इसको क्या लिखने का तरीका क्या है मेरा देखिए इसका जो लिखने का जो क्रम था मेरा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार सौ हज़ार मिलियन दस मिलियन सौ मिलियन मतलब सौ मिलियन मतलब यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा चार सौ बत्तीस मिलियन फिर सौ हज़ार पाँच सौ तेईस पाँच सौ तेईस हजार सात सौ सोलह सात सौ सोलह तो इसको किस प्रकार पढ़ेंगे चार सौ बत्तीस मिलियन पांच सौ तेईस हजार सात सौ सोलह पढ़ा जाएगा देखिए इसके बाद है हमारा रोमन प्रणाली देखिए हिंदू अरेबिक पद्धति और रोमन पद्धति को किस तरह से लिखते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं अभी देखिए एक को किस तरह से लिखते हैं देखिए वहां पे यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वैसे ही नाइन टेन इसको किस तरह से लिखेंगे देखते हैं हम देखिए वन को जो इस प्रकार लिखते हैं टू को ऐसे थ्री को ऐसे तो इसी प्रकार देख लीजिएगा आप चार्ट देखिए फिर इसके बाद है थर्टी फोर्टी फिफ्टी फिर हंड्रेड है फिर फाइव हंड्रेड है फिर वन थाउजेंड है देखिए फिफ्टी को एल लिखते हैं हंड्रेड को सी लिखते हैं और फाइव हंड्रेड को डी लिखते हैं और वन थाउजेंड को एम लिखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि नाइन्टी को रोमन प्रणाली में कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे नाइन्टी जो है हमारा नाइन्टी को कित, कैसे लिख सकते हैं हंड्रेड माइनस टेन तो इसलिए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जो टेन को जो हम लिखते हैं एक्स लिखते हैं और हंड्रेड को जो लिखते हैं हम सी लिखते हैं तो जो मेरा नाइन्टी जो हो जाएगा मेरा एक्स सी हो जाएगा एक्स सी देखिए हंड्रेड को सी और टेन को एक्स लिखते हैं तो एक्स सी हो जाएगा मेरा नाइन्टी रोमन प्रणाली में इसके बाद देखते हैं संख्याएं संख्याएं किसको बोलते हैं संख्या वो है मेरा जो जीरो से लेके किसी भी नंबर तक हो सकता है वैसे जो जो दार्शनिक प्रणाली में जो हम यूज करते हैं वो दस अंकों को ही बोलते हैं जैसे जीरो से लेके नौ तक तो मतलब जीरो वन टू थ्री इसी प्रकार नाइन तक किया जाता है और प्राकृतिक संख्याएं क्या है जीरो को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं जैसे एक दो तीन एटसेट्रा देखिए शून्य मेरा प्राकृतिक संख्याएं नहीं है फिर इसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्याएं है। जिसमें मेरा शून्य भी शामिल होगा जीरो जीरो भी शामिल होगा उसे पूर्ण संख्या कहते हैं देखिए भाज्य संख्या क्या होती है भाज्य संख्या एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा एक से एक के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जैसे चार छः, नौ पंद्रह जैसे चार ही देख लेते हैं चार तो एक अपने आप से ही है विभाजित फिर एक से विभाजित है फिर दो से भी, भी है वैसे ही सिक्स है मेरा सिक्स मेरा वन सिक्स टू थ्री फिर देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या जैसे एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं कहते हैं जैसे दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह सत्रह इसी प्रकार जो मतलब केवल अपने आप से कटे इसमें देखिए जो मेरा दो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं जिसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं अब देखते हैं सम संख्याएं सम संख्या उसे बोलते हैं जो दो से विभक्त हो जाए जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए जैसे मेरा दो चार छः आठ दस इसी प्रकार से है और भी और विषम संख्याएं कौन संख्याएं होती है जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो जैसे वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन एटसेट्रा देखिए अब नंबर्स का एडिशन देख लेते हैं इसका कुछ फार्मूला होते हैं जैसे प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मतलब जो मेरा अंतिम संख्या होगा और अंतिम संख्या प्लस वन बाई टू तो उसका मेरा एडिशन हो जाएगा जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं वन से ट्वेंटी तक प्राकृतिक संख्या में जो एन मेरा हो जाएगा वो ट्वेंटी हो जाएगी और इसी प्रकार इसका जो एड सम uh, हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू मतलब दो सौ दस मेरा आंसर हो गया और देख लीजिए प्रथम एन सम संख्याओं का योगफल जो मेरा अंतिम संख्या होगा इंटू अंतिम संख्या प्लस वन देखिए एन इंटू एन प्लस वन जैसे एक से लेकर पचास तक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा ये सम पूछ दिया है सम मतलब टू फोर सिक्स से लेके फिफ्टी तक पूछा है तो जो मेरा पचासवां जो होगा पचास जो होगा वो मेरा पच्चीसवा टर्म हो जाएगा तो एन मेरा कितना हो जाएगा पच्चीस अंतिम टर्म तो पच्चीस इंटू पच्चीस प्लस वन ये मेरा हो जाएगा सम कितना हो जाएगा 650 सौ पचास इसी प्रकार एक और फार्मूला देख लेते हैं जो एडिशन का ही फार्मूला होता है देखिए समेशन कितना हो जाएगा एन टर्म का एन बाई टू टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी डी मतलब डिफरेंस डिफरेंस सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का और डिफरेंस सेम होना चाहिए जैसे यहाँ पे भी डिफरेंस टू हो जाएगा इसमें भी दो छः में से चार घटाएंगे दो हो जाएगा इसको इस तरह से कर लेंगे तब पर भी आ जाएगा छः सौ पचास इसी प्रकार जो मेरा थर्ड फार्मूला हो जाएगा देखिए फर्स्ट एन विषम संख्याओं का योगफल जो हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगी इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं जैसे एग्जाम्पल मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे बोल दिया कि एक से लेके बीस तक विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग पूछ दिया है विषम संख्याओं का योग एक से लेके बीस तक की संख्याओं में विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा विषम संख्याओं का योग तो इसको कैसे निकालेंगे जैसे आप देखिए यहाँ पे एक से लेके बीस तक जो मेरा अंतिम टर्म जो हो जाएगा विषम का देखिए एक तीन पाँच सात ऐसे ऐसे लेके बीस तक बीस मतलब उन्नीस तक जाएगा क्योंकि विषम मेरा लास्ट उन्नीस होगा बीस मेरा सम संख्या हो जाएगा तो इसका जो एडिशन हो जाएगा मेरा कैसे हो जाएगा मतलब जो लास्ट टर्म जो हुआ ये टेंथ टर्म हुआ टेंथ टर्म जैसे पहला टर्म दूसरा तीसरा चौथा इसी प्रकार ये मेरा दसवां टर्म होगा टेंथ टर्म तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा मेरा सम जो हो जाएगा ऑड का ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर एन स्क्वायर मतलब दस का स्क्वायर मतलब सौ सो so, मेरा इसका एडिशन हो गया एडिशन विषम संख्याओं का